अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको दो पट्टे दिखाने लगा हूँ। दो पट्टे ऐसे दिखाने लगा हूँ, ऐसी ब्रीड में से जिसको हम फादर ऑफ असील भी कहते हैं। यानी बेंगम असील, ये एक ऐसी ब्रीड है जो हर अच्छे ब्रीडर के घर में आप देखेंगे, लेकिन किसी व्यापारी के घर में नहीं देखेंगे आप। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग तो इसको असील नहीं समझते, जो अनजान है, जो जानते नहीं है, और उनको ये पता होता है, जो व्यापारी हजरात होते हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता होता है कि ये बाद में उनके बिकने नहीं है, तो इसलिए वो इनको असील ही नहीं समझते। हालांकि इससे बेहतर कोई असील नहीं होते, क्योंकि असील में जो 5-7 पॉइंट होते हैं वो एक ये एक ऐसी ब्रीड है जो अभी तक अपनी हालत में मौजूद है। 1871 में नवाब यार खान मोहम्मद साहब थे, आप मोनोग्राफ ऑफ फिशेंट एक किताब है उसमें पढ़ सकते हैं, उनके पास भी ये ब्रीड मौजूद थी। और ये जो ब्रीड है, ये जो होते थे ना, पहले ज़माने में बादशाहों का दौर होता था, बादशाह जो होते थे अपने फौजियों के खून को गरमाने के लिए जब जंगें होती थी ना, तो इनकी फाइट्स दिखाया करते थे पहले, तो उनमें ये सहरे फरिश थे जो बेंगम ब्रीड है। बेंगम से ही कई लोगों ने लसानी बनाए, आप सब जानते हैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अब ब्रीड कुछ बातें होती हैं कलर की, कि कौन से कलर में थे, तो ये हर कलर में थे, बेंगम जो थे हर कलर में थे। अब जो कोई स्पेसिफिक ब्रीड बनाता ना अपनी, तो वो एक कलर में आती है, लेकिन जो बेसिक ब्रीड होती है वो हर कलर में हो सकती है। तो आज मैं भी आपको अपने घर के दो पट्टे दिखाने वाला हूँ, आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ये है जी, चेक करें इनकी क्वालिटी। देखिए, जो सील में क्वालिटीज होती है ना, 5-7 जिसको हम क्वालिटीज कहते हैं, जोड़ अच्छे हो, मजबूत हो, छोटी गर्दन हो, पीछे कर्ल पड़ते हो गर्दन में, जो इनकी नेक होती है रिंग पड़ते हो, ठीक है, उसके बाद लंबी बेल इनकी, पूंछ में 5-7 पर सफेद कलर में जो होते हैं, ठीक है जी, उसके बाद मजबूत गिरा, गठी हुई गिरा, नलियों में क्वालिटी, छकोनी नली, तो ये सारी ही जो खूबियां है ना इस ब्रीड में मौजूद है। और बात कर लें इनकी फड़कों की, तो इनसे बेहतर फड़कें किसी की भी नहीं है। और ये इतने मजबूत होते हैं, यानी अगर अल्लाह ताला ने इनको ये बड़ा ताज दे दिया है, बेसिक तो ये बादशाहों वाला ताज होता है ना, अगर इनको ये बड़ा ताज अल्लाह ताला ने दे दिया है, तो साथ इनको एक क्वालिटी और दी है, वो है इनकी मजबूती। तो ये इतने के मजबूत बर्ड है कि आपकी सोच होनी है। तो जो व्यापारी हजरात है ना, वो इनको पसंद नहीं करते, इसलिए पसंद नहीं करते कि ये, मैं बेसिक आपको एक चीज बता दूं, ये जो
व्यापारी हजरात होते हैं वही चीज पसंद करते हैं जो लोग पसंद करते हैं, वो इसलिए कि जिस चीज से उनको नफा नहीं होता वो उन्होंने नहीं रखनी होती। ये जो ब्रीड है ये आपको किसी भी व्यापारी के पास मेरे ख्याल में तो नजर नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो बहुत कम ऐसे होंगे जो जो इस शौक को समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, उन्होंने जरूर रखी होगी, चाहे वो व्यापारी हो। लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं ना इस ब्रीड को नहीं रखते इसीलिए, बल्कि ना रखने से वो ये कह देते हैं कि ये तो देसी है। तो ये एक ऐसी ब्रीड है कि इस ब्रीड को अगर ये प्योर हालत में हो तो कोई भी ब्रीड असील में इसको टक्कर नहीं दे सकती, ये मेरा तजर्बा भी है, मैंने उजमा के भी देखा है। और दूसरी बात रही ये कि देखें ये जो आजकल कारोबार का सिलसिला चला हुआ है ना इन बर्ड्स का, अच्छी बात है जो कारोबार करता है हम उससे मना नहीं करते, ये हक हलाल है, करना भी चाहिए। लेकिन ये ऐसे बर्ड्स होते हैं ये आपको पल्ले से ही डालने पड़ते हैं पैसे, इनमें से आपको नफे नहीं होते। कोई भी असील की ब्रीड है जो प्योर असील है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो मादियाँ होती हैं वो बहुत ही कम तादाद में अंडे ले करती हैं, यानी एक मादी होगी ना अगर प्योर तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 अंडे ले करती है साल में, एक दफा या दो दफा, उसमें से भी 2-3 अंडे वैसे खराब हो जाते हैं, तो 5-7 बच्चे आपके हाथ आते हैं, तो एक जोड़े को आपको खिलाना पड़ता है अच्छा खासा, पूरा साल खिलाना पड़ता है, तो उसके बाद आपके पास 5-7 बच्चे आते हैं, तो उसमें आप क्या कारोबार करेंगे। इस तरह अगर दूसरी ब्रीड्स का जिक्र कर लेना, जैसे बहुत सारी ब्रीड्स हैं, मैं किसी ब्रीड का नाम नहीं लेता, तो ये मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं इनके, यानी 60-70 अंडे भी देती हैं वो मुर्गियाँ, और उनको लोग असील भी कहते हैं, हालांकि वो असील नहीं होती, वो ब्रीड ही दूसरी होती है। तो ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा अपनी बात को, आप समझदार हैं सारे। तो उस तरह की जो ब्रीड्स होती हैं ना उनमें नफ़ा होता है, तो अगर आप नफ़े की घर से इनका काम करना चाहते हैं तो वो ब्रीड रखें, वो प्रोडक्ट है। ये जो बर्ड्स हैं ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये शौक है, ये शौक है। तो शौक में नफे नुकसान नहीं देखे जाते क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये बर्ड्स भी समझ आए होंगे, ये बातें भी समझ आई होंगी, बर्ड्स पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।